कहा कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं, मामले की तफ्तीश कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, यही वीडियो जिसमें एक फेरी वाला नजर आ रहा है, बाइक पर बैठा हुआ, पीछे सामान उसका बंधा हुआ है, एक शख्स उसके साथ मारपीट कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश की, पता लगाया कि फेरी वाला कौन है, जो पिटाई करा वो शख्स कौन है। इसके बाद अब बड़ी खबर, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब खबर का असर कि पुलिस ने एक्शन लिया है, इस मामले में FIR दर्ज की है। फेरी वाले की पिटाई का ये मामला, पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। फेरी वाले और पिटाई करने वालों की पहचान की गई है। प्रयास की और FIR इसमें जो है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है BNS के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत, और ये पता लगाने हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति हैं और कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन है जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला के थाना बालूगंज के अंतर्गत जो है ये इंसिडेंट हुआ है। बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो शुरू कर दी है और इस क्राइम में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। थाना प्रभारी जो बालूगंज है उसकी इन्वेस्टिगेशन स्वयं कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो इसको जो जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है उनके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन एज पर लॉ जो है वो सुनिश्चित करवाया जाएगा। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। रणबीर, जिस तरीके से हम पुलिस अधिकारी को भी सुन रहे थे, काफी गंभीर ये मामला था, लेकिन अभी तक पहचान को लेकर क्या जानकारी मिली है? कौन था फेरी वाला और जो पिटाई करा था वो शख्स कौन था? मामला क्या था? क्या इस बारे में भी कुछ सुराग हाथ लगे हैं? कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए सुदेश, अभी तक जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक शायद ये जो धामी क्षेत्र है शिमला ग्रामीण के तहत आता है उसके तहत ये वीडियो जो है बताया जा रहा है, ये काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। और जो जानकारी और निकल कर आई है कि जो ये फेरी वाला है ये जो है शायद साला घाट के आसपास ये और इसके परिवार के जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। और जानकारी ये भी है कि बालूगंज थाना में जो जिस फेरी वाले की पिटाई की गई है उसको और उसके परिजनों को बुलाया गया है, रिश्तेदारों को बुलाया गया है। जो वीडियो में दिख रहा है वो सारे फैक्ट जो है उनको वेरीफाई किया जा रहा है। और जानकारी ये भी है कि शायद धामी क्षेत्र का ही जो पिटाई करने वाला शख्स नज़र आ रहा है ये भी धामी क्षेत्र का ही है और इसकी पहचान भी कर ली गई है और जल्द ही इसको भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बड़ी बात इसमें देखें सुदेश क्या है, किस तरह की स्थिति हिमाचल में हो गई है, इस तरह के इंसिडेंट हमें जो है पहले भी देखने को मिले, वायरल जो है वीडियो इस तरह के पहले भी हो, लेकिन ये पिटाई वाला वीडियो जो है ये काफ़ी जो है चिंता में डालने वाला है कि मानसिकता यहाँ पर किस तरह से है। एक तो खुद ही एक जाँच अधिकारी की तरह उससे आधार कार्ड मांगा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि उसे कहां पर फेरी लगानी है या नहीं लगानी है, उसे कहां जाना है, कहां काम करना है और उसके बाद पिटाई की जाती है। आप देखिए किस तरह से वीडियो में नजर आ रहा है कि उस शख्स को मुर्गा बनाया जाता है और वो कितना डरा हुआ है और पांव तक छू रहा है। अगर वो कोई संदिग्ध होता या कोई और अवैध गतिविधि में वो संलिप्त होता ऐसा अगर उनको लगता जो पिटाई करने वाले शख्स हैं या उनके साथ एक और है, और आप हिम्मत देखिए बाकायदा इसका वीडियो बनाया जा रहा है और उसको वायरल किया जा रहा है, अगर कोई ऐसी कोई संदिग्ध कोई गतिविधि में वो शामिल था तो पुलिस की तरफ से ऐसे मामलों को लेकर पहले ही डायरेक्शन जारी कर दी गई है कि कानून अपने हाथ में ना ले और इसकी सूचना संबंधित जो आसपास के क्षेत्र की जो चौकी है या पुलिस थाना है उसमें जो है शिकायत की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर किस तरह से आप देखिए किस तरह से थप्पड़ों की बरसात की जा रही है और यहाँ पर तलवार से काटने तक की भी धमकी यहाँ पर दी जा रही है। तो ये जो है किसी भी लिहाज से एक सभ्य समाज के लिए ये वीडियो जो है किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि ये वायरल वीडियो है, इसकी जो है पुष्टि ये हुई है कि ये बालूगंज थाना क्षेत्र का ही मामला है। अब इसमें सारे जो फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद जो उचित कार्रवाई है वो इसमें अमल में
लाई जाएगी। लेकिन संजोली मस्जिद विवाद से जिस तरीके से हम देख रहे पूरा माहौल बदला हुआ है, उसके बाद इस तरह से वीडियो आना, कानून अपने हाथ में लेना, बकायदा तलवार से काटने की धमकी देना, जो पुलिस का काम होता है अगर वही आम जन करने लगेंगे तो स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी। रणबीर, जी हाँ बिल्कुल, ये जो है यहाँ जनता को भी समझना चाहिए और इस बारे में बार बार ये कहा जाता है, जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है, पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि कोई संदिग्ध कोई व्यक्ति लगता है उसकी जो हरकतें हैं या उसका कामकाज जो है वो ऐसा लगता है कि संदिग्ध है तो उसकी जानकारी जो है पुलिस को दी जानी चाहिए। आपके पास आएंगे एक बार दर्शकों को जरा सुनाते हैं, कोई अन्य वीडियो में जो मारपीट हो रही है, जो मारपीट कर रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, पूरा वीडियो दिखाते हैं और सुनाते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। मुर्गा हमने जब दरका वाला जब एक बारी भगा दिया गांव से, तो गांव से नीचे से भेजा, तू यहां दूसरी जगह में आ गया यार। सर कोई नहीं, सर आगे नहीं आऊंगा सर, हैं बाइक लगा काम तेरे को भगा दिया था ना, भगा दिया था तेरे को, ऊपर से नीचे से भगाया था तेरे को, भगाया था ना कोई बात नहीं सर, आगे चल, अपना कार्ड दिखा, हैं इधर लगा बतमीजी की, बतमीजी प्लीज सर, बदतमीजी करके भाग रहा है नीचे से, तेरे को जब तेरे को भेजा नीचे से, तू यहाँ क्यों आया, चल बाइक लगा, यहाँ चल बाइक लगा, आधार कार्ड दे, मुर्गा बन, मुर्गा बनाओ इसका, चल मुर्गा बन, मुर्गा बन, तेरे को बोला ले आओ मेरी तलवार, कट मेरी तलवार, गाड़ी तलवार ले आया यार तू, चल पहले मुर्गा बन, मुर्गा बन, आधार कार्ड दे, मुर्गा बन, तेरे को जब गांव से भगाया क्यों आया, मुर्गा बन ढंग से, सड़क काटना मैंने अभी, तेरे को जब नीचे से भेजा क्यों आया, मुर्गा बन जब दर का वाला जब एक बारी भगा दिया गांव से, तो गांव से नीचे से भेजा, तू यहां जगह में आ गया यार, सर कोई नहीं, सर आगे नहीं आऊंगा सर, बाइक लगा काम, तलवार से काटने की धमकी भी दी। और संजोली मस्जिद विवाद के बाद इस तरह के मामले सामने आना, वाकई में रणबीर हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे, काफी गंभीर ये मसला होता जा रहा है और हम साफ तौर पर सुन पा रहे थे गाली गलौज के साथ साथ धमकी सरासर दी जा रही कि तुम्हें समझाया था, तुम फिर क्यों यहां पर आए। पुलिस तो एक्शन में अब आती नजर आ रही है, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना है उसको लेकर एक बड़ी चिंता जरूर यहां पर खड़ी हो गई है। देखिए सुदेश, ये पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि खासकर जो पिछला एक डेढ़ महीना बीता है उसमें आप देखिए किस तरह के एलिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन गया है कि किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है और अलग अलग तरह के हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं, तो ये किसी भी लिहाज से किसी भी सभ्य समाज के लिए ये चीज़ें सही नहीं है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर जो है सरकार पर भी है, क्या जो है पुलिस का इतना इकबाल नहीं है कि सरेआम जो है इसका वीडियो बनाया जाता है और कानून हाथ में लिया जाता है, किसी चीज़ की कोई डर नहीं है कि सरेआम ये कहा जाता है किसी को भी तलवार से काट देंगे। तो ये अपने आप में भी ये बताता है कि क्या कानून का जो खौफ है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। भले ही अपराधियों को पकड़ने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर एक जागरूक नागरिक की जहाँ तक बात है तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सामाजिक ताना बाना है वो किस तरह से यहाँ पर खराब होता जा रहा है। एक दूसरे की देखा देखी में इस तरह की चीज़ें जो है की जा रही हैं और ये फैलता जा रहा है। और बड़ी बात इसमें यह कि वायरल करने के पीछे की मंशा क्या है, क्या आपको लाइक्स और व्यूज़ इसमें बटोरने हैं, क्या एक बहुसंख्यक वर्ग है उसके लिए आपको कुछ आधार तलाश करना है, कोई आपको कुछ और हासिल करना है। लेकिन बड़ी बात